सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज फिर मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर के आया हूँ जो हमारी डेली जिंदगी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जितना ज़्यादा आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे गाइज, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी तेज़ी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप लिखिए सेंटेंस को, यूज़ करिए अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, इन सेंटेंस को लाइए और कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूज़ करिए, एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइस, आप उसको फर्राटेदार नहीं बोल सकते। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है आपको महान बनाती है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए, कि ताकि आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा कि किस सेंटेंस को मैंने लिखा हूँ। उसी एक सेंटेंस के थ्रू आप एक नहीं दसों सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है कभी कभी। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई आइडिया बताया और उसी आइडिया को लेकर के आप मुझ पर अप्लाई करना शुरू कर दिए, आपने वही आइडिया मुझको बताना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करिए, तो मैं कहूँगा कि मेरी बिल्ली और मुझे को मियाऊ। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा माई शू माई हेड, मतलब मेरी बिल्ली और मुझे को मियाऊ, मैंने ही आपको आइडिया बताया और आप ही मुझे बता रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप वहाँ पर यूज़ करिएगा माई शू माई हेड, मेरा शूज़ और मेरा ही सर, मतलब मेरे ही शूज़ से मेरे ही सर को फोड़िए आप। तो आप इस सेंटेंस का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं आज का हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं गए हुए हैं मेहमान नवाजी में या इंटरव्यू देने गए हुए हैं, तो वहाँ पे जो टेबल होता है, चैम्बर होता है, उसके थोड़े दूर में चेयर रखी रहती है। तो जो आपका इंटरव्यूअर है उसने आपसे कह दिया कि चेयर को खींच करके टेबल तक ले आओ, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? आप बोलेंगे ड्रा योर चेयर अप टू द टेबल। आप क्या बोलिएगा? ड्रा योर चेयर अप टू द टेबल। आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब क्या होता है? बैड माउथ का मतलब किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करना होता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है, कभी 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 मेरे साथ खेलता, उठता, बैठता, सब कुछ करता है, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है, बस ऐसा पड़ोसी वो मेरे साथ रहता है। तो अब क्या हुआ, एक दिन वो मेरे साथ नहीं आया, तो अब मैं जो है उसकी बुराई अपने दोस्त से बताना शुरू कर दिया कि यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये खामी है। तो अब ये जो है, तो मेरे दोस्त ने कहा किसी की बुराई मत करिए। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा डोंट बैड माउथ एनीवन। आप क्या बोलिएगा? डोंट बैड माउथ एनीवन। या फिर अगर मुझे कहना हो कि हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे कोई मरे कटे कुछ भी हो, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो आप बोलिएगा वी शुड नॉट बैड माउथ एनीवन, मतलब हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चलिए गाइस, अगला सेंटेंस आज, फॉर एग्जांपल, घर में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उस काम को छोड़ करके आप किसी और दूसरे का काम करने के लिए चले गए, आपके घर वालों ने डांटा और डांटने के बाद पूछ रहे हैं ये बताइए आप दूसरे का काम करने जा रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपका बताइए? घर का काम छोड़कर आप बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा व्हाट इज़ इन इट फॉर यू। आप क्या बोलिएगा? व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, मतलब इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? आप दूसरों का काम कर रहे हैं, घर का काम पड़ा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो गाइज़, अपने जितने अच्छे अच्छे सेंटेंस आप लिखिए, यूज़ करिए, इनको प्रैक्टिस करके अपने सेंटेंस को, इनको प्रैक्टिस करके अपने माइंड में सेट करिए और अपने टंग में सेट करिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलेंगे अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, उतने एडवांस स्पीकर कहलाएंगे। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं यार कि जो खोया हुआ समय है, जो खोया हुआ वक्त है, वो कभी वापस नहीं आता। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे लॉस्ट टाइम कैन नेवर बी रिगेन्ड। क्या कहिएगा? लॉस्ट टाइम कैन नेवर बी रिगेन्ड, मतलब खोया हुआ समय, खोया हुआ वक्त वापस नहीं किया जा सकता, वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, ये तो बात हो गई खोया हुए टाइम की, लेकिन इसी चीज़ से लेकर के लोग बोलते हैं यार कि देखिए आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, समय की, वक्त की नज़ाकत को समझिए। अगर आज आप समय की और वक्त की नज़ाकत को नहीं समझेंगे, कल को आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे वक्त की नज़ाकत को समझिए, समय की नज़ाकत को समझिए। तो आप बोलेंगे अंडरस्टैंड द डिलेकेसी ऑफ टाइम। आप क्या बोलिएगा? अंडरस्टैंड द डिलेकेसी ऑफ टाइम, मतलब समय की नज़ाकत को समझिए। गाइस, देखते हैं, अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं और उतने में आपकी वाइफ, सिस्टर या कोई भी झाड़ू लगाना शुरू कर दें। अब झाड़ू लगा रहे हैं तो उससे डस्ट उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है। आपने कहा अरे थोड़ा सा हिसाब से झाड़िए,
डस्ट से जो है ना मुझे छींक आती, तो आप इस सेंटेंस कैसे बोलेंगे, डस्ट से मुझे छींक आती, तो आप बोलिए डस्ट मेक्स मी स्नीज, तो आप बोलिए डस्ट मेक्स मी स्नीज, क्या बोलिएगा, डस्ट मेक्स मी स्नीज, मतलब डस्ट से मुझे छींक आती है। और अगला जो सेंटेंस गाइस वो बहुत ही प्यारा है, कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं कि फ़ोन आ रहा है, क्या बोलते हैं, फ़ोन आ रहा है, अब फ़ोन आने की इंग्लिश क्या होता है, फ़ोन इज़ कमिंग, भैया इज़ कमिंग, सिस्टर इज़ कमिंग, पापा इज़ कमिंग, नहीं, फ़ोन आ रहा है इसके लिए आप कमिंग नहीं यूज़ करेंगे। फ़ोन जो होता है वो फिज़िकली चल कर के नहीं आता है, वो जो है फिज़िकली नहीं चलता है, इसलिए हम वहाँ पे फ़ोन इज़ कमिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द फ़ोन इज़ रिंगिंग, क्या बोलेंगे, द फ़ोन इज़ रिंगिंग, मतलब फ़ोन बज रहा है, मतलब फ़ोन आ रहा है। अगला सेंटेंस गाइज हमारा जो है वो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, कभी 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 क्या होता है कि आप शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेंसिव होती है, महंगी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको सस्ती दिखाई देती है, आप बोलते वाओ इट्स चीप, क्या बोलेंगे, वाओ इट्स चीप, बहुत ही मतलब सस्ती, चीप का मतलब ऐसा नहीं एकदम वो वाली चीप, मतलब थोड़ी सस्ती, आपका जो बजट है, आपके बजट तक के हैं, तो आप वहाँ पर अगर आपको बोलना हो वाओ ये तो बहुत ही सस्ती, तो आप इसको बोलिएगा, आप बोलिएगा दिस इज़ सो इनएक्सपेंसिव, आप क्या बोलिएगा, आप बहुत ही अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं वाओ दिस इज़ सो इनएक्सपेंसिव, दिस इज़ सो इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत सस्ता है। इसी तरीके से हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और अगला जो सेंटेंस है गाइस हमारा वो है, अगर आपने मुझे परेशान किया है, आपने मुझे दिक्कत में डाला है, आप मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, आप क्या बोलिएगा, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, मतलब आपको खेद पहुंचाने के लिए, आपको दिक्कत परेशानी पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। पढ़ते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, कभी कभी क्या होता है कि आपका दोस्त भाई या कोई भी हो सकता है और वो पागल है, क्या है, पागल, पागल के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड, अगर मैंने कहा यार वो पागल है, अब ही इज़ आउट ऑफ माइंड, मेरा भाई पागल है, माई ब्रदर इज़ आउट ऑफ माइंड, मेरा दोस्त पागल है, माई फ्रेंड इज़ आउट ऑफ माइंड, अब पागल का मतलब पत्थर चलाने वाला पागल नहीं, कभी कभी इंसान को इसी तरह भी कहा जाता है आउट ऑफ माइंड, मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो माइंड से काम नहीं कर पाता, एकदम बिंदास जो लगता है वो करता है, ऐसे लोग को, अच्छा कभी कभी बॉस भी होते हैं वो भी पागल की तरह होते हैं, आप बोल सकते हैं माई बॉस इज़ आउट ऑफ माइंड, मेरा जो बॉस है वो पागल है। कभी क्या होता है कि समय से पहुंचने से भी लोगों को डांट देता है, और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लेट भी एक घंटा पहुंचे अगर ऑफिस में तो कुछ नहीं कहता, तो पागल नहीं तो क्या हुआ, तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं माई बॉस इज़ आउट ऑफ माइंड। इसी तरीके से गाइज हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस तरफ, और अगला सेंटेंस है हमारा, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो आपने तो यूज़ किया ही हुआ है एक वर्ड आई एम बिज़ी, आई एम सो बिज़ी, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वर्ड देता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप बोलिए आई एम अप टू द नेक इन वर्क, क्या बोलिएगा, आई एम अप टू द नेक इन वर्क, इसका मतलब होता है कि मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं काम में व्यस्त हूँ। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, तो गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस तरफ, और अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है, क्या होता है कभी कभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बुलाया कि संडे को आपको आना है, लेकिन आपने कहा कि सॉरी मैं संडे को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा संडे ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब मेरा संडे ऑलरेडी बिजी है, तो आप इसको किस तरह कहेंगे, मतलब संडे को ऑलरेडी मेरा काम है, कहीं जाना है या मुझे कुछ भी करना है, लेकिन करना है, संडे को मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप बहुत ही प्यारा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, सॉरी माई संडे इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड, क्या बोलिएगा, सॉरी माई संडे इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आप बोलिए सॉरी माई संडे इज़ ऑलरेडी स्केड्यूल, या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी माई संडे इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, इसका मतलब भरा हुआ है, मतलब बिजी है, मैं खाली नहीं हूँ। गाइज चलते हैं अब हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला जो सेंटेंस है हमारा वो होने वाला, कभी कभी क्या होता है कोई ऐसी चीज़ें होती हैं गाइज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, कभी कभी क्या होता है ऐसी मूवीज़ वगैरह होती हैं जिसको देख करके इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, जिसको देख करके लोग बोलते हैं यार क्या मूवी थी ज़बरदस्त, उसके अंदर जो बैकग्राउंड दिखाया गया है, जो सोसाइटी की रियलिटी दिखाई गई है, तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली चीज़ें, तो आप वहाँ पे इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंस है आप कह सकते हैं यार एकदम सोचने पर मजबूर कर देने वाली मूवी थी, आप बड़ी वाओ दैट वॉज अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी, मतलब वो एक ऐसी मूवी थी जिसने सोचने पर मजबूर कर दी, या मैंने कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, सवाल पूछ दिया जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, यार हकीकत
आपने जो सवाल पूछा है रियली बहुत ज़बरदस्त सवाल है, मतलब ऐसे सवाल अक्सर लोग पूछते नहीं हैं, सोचने पर मजबूर कर दिया इस सवाल ने, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं वाओ दिस इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। आप क्या बोल सकते हैं? वाओ दिस इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो वहाँ पर आप थॉट प्रोवोकिंग का यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस गाइस हमारा, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिमिट से बाहर होती हैं, तो दिस इज़ बियॉन्ड माय लिमिट। आप क्या बोलिएगा? दिस इज़ बियॉन्ड माय लिमिट, या ये मेरी लिमिट से बाहर है, ये मेरे बजट से बाहर है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप शॉप गए, वहाँ पे एक अच्छा शूज़ दिख गए, अच्छे स्वेटर दिख गए, शर्ट दिख गए, लेकिन एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, आप बोल सकते हो आप और दिस इज़ बियॉन्ड माय लिमिट। क्या बोलिएगा? This is beyond my limit। और अगला जो सेंटेंस होने जा रहा है गाइस हमारा, वो है बहुत ही प्यारा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं की इन्विटेशन है, आप शादी में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब पब्लिक इकट्ठा होगी या फिर इतना तरीके से वहाँ सजाया जाएगा और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन होगा और लोग बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे आएंगे, मतलब आपने जो है उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बहुत सजाया हुआ था वहाँ, मत और बहुत ही ज़बरदस्त एक डेकोरेशन था वहाँ पे, सब कुछ था, खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ था, लोग वीआईपी गाड़ियों से आए हुए थे। आप बोल सकते हैं वाह कश्यप, ये जो है मेरी उम्मीद से बाहर है। तो आप वहाँ पे भी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं दिस इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। और कभी क्या होता है, आपने सोचा बहुत ज़्यादा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी लोग आए हुए होंगे और ऐसे पूरा इंतज़ाम होगा खाने पीने का, या फिर वहाँ पे जब जाएंगे तो लोगों को लेने के लिए, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा तो लोग मुझको रोड पर लेने के लिए आएंगे, लेकिन जैसे ही आप गए तो वहाँ पे 4 से 10 लोग थे, वो भी आसपास खड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से देहात के लोग आके खड़े हो गए थे वहाँ पे साइड में। आप जैसे ही गए तो आपने कहा यार मेरी उम्मीद से एकदम कम है ये, तो आप वहाँ पे क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा यार वो माय गॉड, आप बोल सकते हैं दिस इज़ बिलो माय एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरी उम्मीद से कम है, मैंने जो सोचा था, मैंने जो सोच करके आया था पार्टी के अंदर, वो मुझे वो चीज़ ही नहीं मिली। आप इस सेंटेंस का यूज़ कर, दिस इज़ बिलो माई एक्सपेक्टेशन। और गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। मैंने आपको कोई चीज़ के बारे में बताया कि देखिए मेरी जो है जॉब लग गई है और मेरी सैलरी इतनी इतनी है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी और जॉब बहुत अच्छी जगह में लगा। आपने वो वाओ ना, आई एम ग्लैड टू नो, आई एम ग्लैड टू नो, आप क्या बोलेंगे? आई एम ग्लैड टू नो, आई एम ग्लैड टू नो का मतलब होता है मुझे जानकर खुशी हुई कि आपकी जॉब लग गई और सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं आई एम ग्लैड टू नो, आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू नो, क्या बोलिएगा? आई एम ग्लैड टू नो। और अगला सेंटेंस क्या है कि आप कोई चीज़ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं कि देखिए 2024 में जो है योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या फिर 2024 में शिवराज सिंह चौहान जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैंने कहा ये सबसे बड़ा झूठ है, मैं क्या बोलूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है, बन ही नहीं सकते। तो आप वहाँ पे क्या बोले? सबसे बड़ा झूठ के आप बोले दिस इज़ अ बिग फैट लाई। तो आप वहाँ पे बोले दिस इज़ अ बिग फैट लाई, मतलब बहुत बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। आप बोले दिस इज़ अ बिग फैट लाई, आप बोलिएगा दिस इज़ अ बिग फैट लाई, दिस इज़ अ बिग फैट लाई, मतलब बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। चलिए गाइस अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, और ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा सेंटेंस गाइस। और वो सेंटेंस क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कार है, या फिर आपके कभी कभी अपने बॉस से परेशान हो जाते हैं, अपनी कार से परेशान हो जाते हैं, अपनी जॉब से परेशान हो जाते हैं, अपने आप से परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तंग हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी कार से है ना तंग आ गया हूँ। कभी कभी कार क्या होती है कि चलने में दिक्कत होती है। कभी कहा यार आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब से परेशान तंग आ गए हैं आप, अब आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ माई जॉब, क्या बोलिएगा? आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ माई जॉब। या फिर मैंने कहा यार मैं अपने बॉस से बहुत तंग आ गया हूँ, एकदम हमेशा परेशान किए रहते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, एकदम तंग आ गया हूँ। तो आप क्या बोलिएगा? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई बॉस, क्या बोलिएगा? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई बॉस। अब मैंने कहा सर कि लोग इतनी इंग्लिश बोलते हैं, इतनी इंग्लिश बोलते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता यार, इसीलिए मैं हिंदी से परेशान हो गया हूँ, हिंदी से तंग आ गया हूँ मैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ इंग्लिश सीखूँ। आप अगर बोलेंगे हिंदी से तंग आ गया हूँ, तो आप भैया आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिंदी, या अगर मुझे बोलना कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, तो आप बोलिएगा आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। तो गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, आज कितना काफ़ी, चलिए लिखिए सेंटेंस को यूज़ करिए, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करिए। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होती है, लेते हैं ब्रेक, बाय।